हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शिशु वर्ल्ड। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही हेल्दी भी है, और बच्चे जो अक्सर शक्करकंद या स्वीट पोटैटो नहीं खाना चाहते हैं वो तो इसे मांग मांग के खाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं शक्करकंद की चाट, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो शक्करकंद ले ली है स्वीट पोटैटो, और इसके अलावा मेरे पास है काला नमक, काली मिर्च का पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च, और है भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, खट्टी और मीठी चटनियाँ और नींबू। तो यहाँ पे हमने ये जो हम शक्करकंद ली है इनको हम बॉयल नहीं करेंगे। नॉर्मली जब बॉयल करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, हम इनको रोस्ट करेंगे जिसका इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया भुना हुआ आएगा। और रोस्ट करने के लिए मैंने अवन का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको गैस के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़े से फोक लेके इसमें छेद बना दिए ताकि जब ये अवन में पकेगा तो स्टीम रिलीज़ हो जाए। तो ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े छेद हम हर तरफ कर देंगे, और इसको मैंने 200 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए रोस्ट कर दिया प्री हीट करके। तो अब ये शक्करकंद रोस्ट होके ठंडी हो गई है, मैंने उसे बाहर निकाल के रख दिया था, और अब ये देखते हैं कि कैसी है। अब इतना पक चुकी है कि मैं ईजिली इसको चाकू से काट सकती हूँ, और ये अभी भी खाने लायक है, बट हमें इसे और टेस्टी बनाना है। तो हम इस तरह से लेके इसके सारे छिलके उतार लेंगे और हम फिर इसको छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ये छील ली है शक्करकंदी, और अब मैं इसको बाइट साइज पीसेस में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे शक्करकंद काट लिए हैं, अगर कोई बड़ा पीस दिख रहा है तो उसको भी हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। बट बेसिकली जैसे हम आलू के टुकड़े काटते हैं उसी तरीके से हमें शक्करकंद के टुकड़े काटने हैं जो हम एक बार में खा सके, बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। अब हम इनको थोड़ा सा घी में रोस्ट करेंगे। तो मैंने एक चम्मच घी डाल दिया, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई भी नहीं करना है, तो ये काफ़ी हेल्दी है और हम घी में बना रहे हैं। नहीं तो अक्सर जो चाट होती है उनको जब हम फ्राई करते हैं तो तेल में तलते हैं, पर यहाँ पर हम बहुत ही हल्का सा रोस्ट करेंगे इसको घी में ताकि इसका स्वाद भी अच्छा सा आ जाए। पर क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है तो बिल्कुल गज़ब स्वाद आएगा, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। हम सब जानते हैं कि शक्करकंद बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो कि गट हेल्थ को प्रमोट करता है। तो अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए है तो आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ वेरी रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ये डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ पे जैसे हमारे शक्करकंद थोड़े से रोस्ट हो गए, हमने उनको निकाल के एक बोल में अलग रख लिया है। तो अब यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला काला नमक, आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक का स्वाद बहुत अच्छा आता है किसी भी चाट में। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, ये है चाट मसाला। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कोई फिक्स्ड इनका रेशो नहीं होता है, जैसा आपको पसंद है, यही तो मज़ा होता है चाट का। मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला, थोड़ी सी चॉप्ड अनियन डाला है मैंने यहाँ पे, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर किसी भी और तरह की टमेटोज भी डाल सकते हैं। मेरी बेटी को टमेटो कम पसंद है कटा हुआ, तो फिर मैंने इसमें नहीं डाला है, पर आप ज़रूर डाल सकते हैं। आजकल आम का मौसम है तो आम, कच्चा आम भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी और इमली की चटनी, दोनों खट्टी और मीठी और जो तीखी चटनी है वो सारी इसमें मिला दी है, और बस इसको फटाफट से टॉस करेंगे। और इसके अंदर फिर आपको जिस भी तरह की और कोई चीज़ डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। ये चाट बिल्कुल फटाफट तैयार हो गई है, मैंने बस इसके ऊपर सेव थोड़ा सा छिड़का था और ये चाट बिल्कुल रेडी है। और हमें तो ये इतनी पसंद आई, और मेरी बेटी ने तो बार बार मांग के वो खाती है ये। तो आई डू होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप ज़रूर इसे घर में भी ट्राई करेंगे। डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, और प्लीज़ प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।